लाइगर मूवी के लिए विजय देवरकोंडा माइक टाइसन के सामने एक फाइट सीन शूट करने अमेरिका गए थे। इस सीन को शूट करते समय माइक टाइसन का एक पंच पड़ गया विजय देवरकोंडा को गलती से, और फिर उनका क्या हाल हुआ बताएंगे आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। भाई लाइगर मूवी विजय देवरकोंडा का ही नहीं, माइक टाइसन का भी डेब्यू है भाई हिंदी पिक्चरों में। और पहले क्या होता था ना, पहले अक्षय कुमार जी कुछ भी ले आते थे, जैसे नकली अंडरटेकर ले आए थे खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी में, और जनता तो बेवकूफ है, कुछ भी दिखा दो। देखो कैसे बोलते हैं अंडरटेकर नकली वाले, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा ऑडियंस को, कि मतलब नकली अंडरटेकर दिखा रहे थे यार पहले हमें, पर इस बार आ रहे हैं असली माइक टाइसन। और विजय देवरकोंडा ने ये बताया कि माइक टाइसन वैसे तो बहुत पोलाइट है, पर जब एक्शन सीन में गलती से उनका घूसा पड़ गया विजय को, तो वो पूरे दिन अपना सर पकड़कर घूमते रहे, ऐसा लगा कि माइग्रेन हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बेहोश तो नहीं हो गया, पर मेरा मन जरूर कर रहा था कि जाके सो जाऊं, इतना सर दर्द हो रहा था। घूसा भी तो खाया दुनिया के सबसे खूंखार बॉक्सर का। बाकी क्या आप ये फाइट सीन देखना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।